अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैं बर्तन सेट कर रही थी, मैंने वॉश किए हुए थे तो किचन को थोड़ा मैं सेट वेट कर रही थी। ये मैंने टोकरी में ही चम्मच वगैरह रखे होते हैं और स्पून्स हैं जो खाने वाले जो हैं वो मैंने बंद डिब्बे में रखे होते हैं, क्योंकि कॉकरोच वगैरह को कोई पता नहीं होता। तो वैसे जो भी मैं बर्तन और यूज़ करने से पहले एक दफ़ा फिर भी पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो दुबई में कॉकरोच का बहुत मसला होता है, तो अगर आप लोगों को भी कॉकरोच का मसला है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं आपको टिप दूंगी, उससे आपके कॉकरोच चल जाएंगे। और यहाँ पर मेरा मूड बन रहा था कि आज खिचड़ी बना लें, तो यहाँ पर मैं दाल ले रही हूँ। पहले जो है ना माइंड बना था कि मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, अगर इनके कोई फ्रेंड ने आना है तो फिर वो कह रहे थे कि नहीं हम तो अबू धाबी हैं तो फिर आप खुद ही खा लें। तो फिर हमने कहा कि मैंने तो पहले दाल डाली, फिर मैंने कहा ये तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए फिर मैं हाफ कप ही दाल ले रही हूँ। इसको मैं भिगो दूँगी वॉश करके, तो हाफ कप मैं दोबारा पैकेट में डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं चावल ले लूँगी दो गिलास बहुत होते हैं जो है ना, छोटे छोटे ये ग्लास हैं तो मैं दो गिलास ही बनाऊँगी। खिचड़ी आपको पता वैसे खाई भी जाती है, पहले मेरा माइंड बना 1.5 गिलास का, फिर मैंने बोला 1.5 नहीं 2 बना लेती हूँ, दोपहर के टाइम ज़रा भूख लग जाती है तो फिर ब्रेड अंडा का नाश्ता मैं करती हूँ, तो फिर वो भूख लग जाती है तो चलें चावल मैं खा लूँगी कल को भी। तो यहाँ पर मैं चावल भी वॉश कर रही हूँ, जो है ना मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। मैं जो है ना बर्तन वॉश करने के लिए फेरी का जो है ना फेरी प्लस का मैं लोशन यूज़ करती हूँ, इससे बर्तन बहुत ही अच्छे जो है ना साफ़ होते हैं और बहुत शाइन करते हैं। दूसरे काफ़ी मैंने यहाँ पे ट्राई किए हैं, पर दुबई में ये जो फेरी का ना ये बहुत अच्छा है, इसमें येलो कलर भी है और ग्रीन कलर भी है, तो मैं ग्रीन कलर लाती हूँ और मैं वही यूज़ करती हूँ। इससे जो है ना बर्तन भी वॉश हो जाते हैं और सही रहता है, दूसरे तो ऐसे पता ही नहीं चलता है, शाइन भी नहीं आती और ऑयल भी नहीं सही से होता। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 पानी जो है ना चावलों का जो है ना निकाल दूँगी, उतार दूँगी साफ करके, इनका पानी मैंने उतार के फिर मैं अगेन करूँगी, क्योंकि चावल जो है ना यहाँ पे ये होता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरे मिलते हैं। यहाँ से मैं अब ये चीज़ें ऊपर रख दूँगी, क्योंकि मैंने बर्तन उस टाइम वॉश किए थे तो उठाए नहीं थे। चावल खाऊंगी, मुझे कच्चे चावल खाना बहुत पसंद है। वैसे सब मना करते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता कि कच्चे चावल खाएं, तो मैं कहती हूँ। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को वॉश कर लिया था और जो है ये मेरा छोटा सा प्रेशर कुकर है, मुझे बहुत ही पसंद है, 2-3 बंदों के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत जल्दी से बन जाती है। तो यहाँ पर मैं 2 अदद ओनियन लिए हैं जो मैं काट लूँगी, जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही काट रही हूँ क्योंकि मैंने कटिंग बोर्ड पे इस टाइम काट रही, मैंने कहा जल्दी जल्दी आपको क्विक बताऊँ। जब कोई मतलब कि जल्दी हो या कोई बीमार हो मोस्टली, तो खिचड़ी उस टाइम जो है ना बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो बच्चों के लिए भी बहुत है, पर मैं बना तो रही हूँ स्पाइसी, तो आप बच्चों के लिए बिल्कुल लाइट रखिए और बहुत ही जल्दी बनने वाली है। यहाँ पर तो थोड़ा मैं आराम आराम से काम कर रही थी, ये जो प्याज ख़राब था वो निकाल लिया था, ये हमारी 3 मिनट में जो है ना तैयार हो जाएगी खिचड़ी। तो चलते हैं जो है ना अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मुझे याद आया कि ऑयल जो है ना मैं लेके आई हूँ ऑयल वाली बॉटल, तो ये बहुत बड़ी होती है, तो फिर मैं इसमें से निकाल के ना वो एग वगैरह का भी चाहिए होता है, तो ये मैंने ऑयल वाली बोतल यहाँ से गिफ्ट सेंटर है ना वहाँ से ली थी। अगर आप लोगों को भी जाए तो गिफ्ट सेंटर में इजीली ऑयल की मिल जाएंगे, और भी बहुत ज़्यादा थी बट वो शीशे की थी, तो शीशे की ऑयल ही हो तो वो नीचे गिरने से टूटने का डर होता है, इसलिए मैं फिर ऑयल ही नहीं लेके आई, मैं दूसरी ही ले आई हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही थी तो मुझे याद नहीं था, मेरा ध्यान उस तरफ गया तो ऑयल एकदम से जो है ना ज़्यादा हो गया, ये देखें फिर वो मुझे याद आया ओहो मैंने तो ध्यान ही नहीं किया। खैर मैंने वो शीशी को फिर साफ़ कर लिया था, तो इस तरह मैं जो है ना चूल्हा जलाऊंगी और मैं जो है ना जल्दी से बना लूंगी खिचड़ी। मूड ही नहीं बनता क्या खाएं, बंदा सारा दिन यही सोचता रहता है क्या बनाएं क्या बनाएं,
चिकन वगैरह और मटन वगैरह की रेसिपी के लिए दिल नहीं करता, बंदा कहता कुछ डिफरेंट हो, डिफरेंट में समझ नहीं आती, वो जो है फास्ट फूड होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने कहा सिंपल सा जो है ना खाना बनाती हूँ जो मज़े का भी बन जाए और जल्दी भी बन जाए। दोपहर के टाइम जो है मैं फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ, और जो मॉर्निंग है वहाँ तब मैं ब्रेड और एग ले लेती हूँ, वो अगर रोटी बना देती नहीं वो बना देती हूँ। ये वो नहीं खाते, दूध वाली ब्रेड भी नहीं खाते, ऑमलेट भी कोई इस तरह का नहीं खाते, ये भी सिंपल फ्राई एग खाना पसंद करते हैं। तो फिर इसलिए मैं नाश्ते का कोई भी वीडियो जो है ना क्लिप नहीं दिखाती, कभी हो जाए कुछ स्पेशल हो जाए तो पराठे वगैरह तो इनको पसंद होते हैं, मतलब कोई हो। यहाँ पे मैं ना स्पाइसेस डालूंगी, मैं ज़ीरा और 3-4 जो है ना मैंने दाने काली मिर्च के भी ले लिए थे साबुत, वो सही रहते हैं, वो चावलों की जो बादी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो वो मैंने 2-3 दाने डाल लिए हैं। तो अब मैं जो है ना ये साथ कहते हैं चम्मच हिलाए ना तो प्याज बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। अगर आप लोग भी मतलब कि फ्राई करना है तो आप रख के एक साइड पे ना रखें, साथ साथ उसको जितनी जल्दी आप मिक्स करेंगे ना चम्मच तो उतनी जल्दी हो जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूखा धनिया डाल रही हूँ, ये मैं ऑयल में इसलिए थोड़ा फ्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा ना वो सॉफ्ट भी हो जाएगा और टेस्ट भी आ जाएगा। और अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी। अब तो इतनी खाना बनाना की आदत हो गई है कि चींटों का भी डर नहीं होता, वरना कुछ लड़कियाँ होती हैं वो बहुत डरती हैं, हमारे पे छींटे ना पड़ जाए, नाजुक बनती हैं, पर नहीं हम लोग नाजुक नहीं बनते, घर के काम करने होते हैं और हर चीज़ जो है ना करनी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिंजर पाउडर डाल रही हूँ, गार्लिक पाउडर मुझे जो है ना मिला नहीं था, तो इस दफ़ा मैंने बोला था कॉर्फ उधर जाऊँगी कैरीफोर तो उधर से मिल जाएगा, उधर से मैं पता करूँगी। लुल्लू पे तो मुझे कहीं नज़र नहीं था। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है ना मैं नमक ऐड किया था, तो मैंने हाफ थोड़ा और ऐड कर दिया था क्योंकि चावल थे 2 गिलास, तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने एक ही टमाटर को काट लिया था, टमाटर का बड़ा साइज का था तो उसको मैंने पीक पीक काट लिया था। और अब मैं अच्छी तरह इसको जो है ना इतना भून लेंगी कि टमाटर जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। देखिए मसाला है, और यहाँ पर मैंने 2 से 3 जो है ना मिर्चें ले ली हैं सब्ज, वो भी मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं जो है दादर मिर्च ले ली है 1 टेबल स्पून, सॉरी 1 टीस्पून है, 1 टेबल स्पून तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 1 टीस्पून है। ये कह रहे थे कि थोड़ी स्पाइसी बनाओ तो मैं कहा ज़्यादा स्पाइसी। और यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून जो है ना ब्लैक पेपर ली थी, काली मिर्च मसाला हमारा तकरीबन रेडी हो चुका था। ये देखें बिल्कुल प्याज भी छोड़ दिया था, तो अब मैं इसमें जो है दाल डालूंगी। दाल का पानी मैंने जो है ना ज़्यादा निकाले थे, बस थोड़ा सा रखा था, और अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें 2 मिनट के लिए भूनूंगी। बहुत ही जल्दी बन जाएगी, बस मैं जो है ना स्लो लगी हुई थी, साथ साथ मैं बातें भी कर रही थी अपने हस्बैंड से, चावलों का भी पानी मैंने जो है ना उतार लिया, और मैं इसमें प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी बन जाती है, दूसरी तरह तो बहुत टाइम लग जाता है। और ये देखना आप प्रेशर कुकर में, कुछ लोग कहते हैं हम खिचड़ी बनाते हैं तो हमारी बिल्कुल पानी हो जाता है, तो वो मतलब कि बीमार है कोई बंदा या किसी का पेट खराब है तो इसलिए तो ठीक है। वैसे किसी को मूंग की दाल की खिचड़ी बहुत पसंद होती है, देखिए साथ मेरे पास ही खड़े थे उन्होंने कच्चे चावल ले लिए, मैं पानी उधर निकालने गई हूँ तो चावल मैं उनको कह भी रही हूँ।
है कि ये आप क्या कर रहे हैं, कहते हैं मुझे इस टाइम जो है ना भूख लग गई है देख के। अब मैं इसको दो से जो है ना 2-3 मिनट ऐसे भूनना है, फिर पानी में ऐड करूँगी। थोड़ा जो है ना इसमें जो है अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाएगा मसाला चावलों में। इसको जो है ना मैंने पानी डाल के ना तो मैं प्रेशर लगाऊंगी सिर्फ 3 मिनट के लिए, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। और उसके बाद जब वो हो जाएगा तो फिर मैं बाप में 5 मिनट, यहाँ पे मैंने जो है ना 2 गिलास मेरे चावल थे तो मैंने 2 गिलास पानी के ऐड किए थे, और साथ में मैंने आधा गिलास और ऐड किया था, मतलब कि 2.5 गिलास ऐड किए थे। करते मतलब कि कुछ लोग हैं वो करते हैं 4 गिलास ऐड, मतलब कि 2 गिलास चावल है तो 2 गिलास ऐड, पर ये मैं प्रेशर में बना रही हूँ और दाने दाना मैंने रखना है, मैंने नरम नहीं करनी, तो इसलिए 2 जो है मैं गिलास ऐड करूँगी और साथ में मैं आधा और ऐड करूँगी। 2.5 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। तो अब जो है ना मैं इसमें इसको ना चेक कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक तो मुझे थोड़े से लगा था कि स्पाइसी कम है, तो मैंने 1/2 टीस्पून जो है ना गरम मसाला ऐड कर लिया था। और अब मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी सिर्फ 3 मिनट के लिए, 3 मिनट के बाद मिलते हैं। 3 मिनट हो चुके थे और अब मैं इसकी सीटी उतार रही हूँ। मेरी सीटी ऊपर से जो है ना इसके पता नहीं वो पीस कहाँ गया है, मुझे मिला नहीं है। देखें चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल नरम नहीं हुए, अलग अलग दाना आप चेक कर सकते हैं कि कितने जल्दी और मज़ेदार से चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल नरम नहीं है, बिल्कुल लेवी, कहते हैं ना आए नहीं तू की किता नहीं, चावलों ने लेवी बना देते हैं, वो चीज़ नहीं हुई है, बिल्कुल ही दाने दाने हैं। इसलिए है कि ये आपके पानी पे डिपेंड करता है। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अब हम खाने की खाना खाते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए मज़ेदार से हमारी खिचड़ी रेडी है, बाय।